मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप दोनों को ऑल द बेस्ट। आप दोनों स्क्रीन पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने अजय जी को भी फिल्म देखते हुए आपके लिए कॉम्प्लीमेंट किया, मैंने तुम्हारे लिए भी किया कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मैंने हीरो के लिए खासकर इसलिए कॉम्प्लीमेंट किया क्योंकि अक्सर मैंने जब भी मेरे साथ बहुत हीरोज का डेब्यू हुआ है तो मैंने बहुत कुछ झेला है, यू नो, तो लेकिन आप में ऐसा कुछ क्वालिटी नहीं, आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं स्क्रीन पे एज ए परफॉर्मर, एज ए पर्सनालिटी बहुत अच्छा आप कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप आगे अच्छा करेंगे। और आप बहुत अच्छे लग रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं तो बहुत ज़्यादा डल थी अपनी पहली फिल्म में, मेरी फिल्म को देख के लग रहा था कि इसकी पहली पिक्चर है, तुम दोनों को देख के नहीं लग रहा है। बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए। मनोज तिवारी जी ने गोली खाई थी पिछली फिल्म में आपके लिए, इसमें ये भी साहब ने गोली खाई है नेहा के लिए। तो ससुरा की ये परंपरा है कि हीरो को गोली खानी है, हीरोइन को रूम में बंद होनी है। हाँ, और वो गोली कौन मारेगा वो सस्पेंस रहता है, लेकिन वो तो परंपरा है। और आगे भी जब भी इसके चीजें बनती जाएंगी, पार्ट 3 पार्ट 4, उसमें भी हीरो ही गोली खाएगा। जी नमस्कार, प्रणाम। बहुत अच्छा लगा रानी मैं माई, और हमारे काम को पसंद किया और बस ये आशीर्वाद दिया अपना, बस इनका आशीर्वाद, प्यार और सपोर्ट चाहिए। मैंने पहले भी डेढ़ दो महीने पहले हमारी बात हुई थी मैम को, मैंने भेजा था अपना वो फोटोग्राफ वगैरह, और तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि मैम मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, तो बोलो, उन्होंने बोला कि हाँ मेरा फुल सपोर्ट रहेगा, तो थैंक यू सो मच मैम। नहीं नहीं, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग इस फिल्म के ज़रिए आके हम लोगों का ही मनोबल और हम लोगों की ही ऊर्जा बनाने जा रहे हैं आप लोग, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी हिट फिल्म है ये, उसके साथ आप लोग का भी नाम जुड़ रहा है, तो मेरी बस यही यू नो ब्लेसिंग्स है पूरी टीम के साथ कि आप लोग बहुत अच्छा करें इस फिल्म के साथ, ताकि हमारी जो इज्जत बनी हुई है उस फिल्म के जरिए वो बरकरार। ये प्रेशर तो था ही कि रानी मैम का नाम नहीं खराब होने दूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं खराब होने वाला, फिल्म मैंने देखी अभी, बिल्कुल नाम नहीं खराब होने वाला है। यू नो इस फिल्म में ना, यू नो प्योर भोजपुरी फिल्म आप बोलते हैं ना, प्योरिटी जो कहीं ना कहीं मिस लगती है आजकल, आजकल बहुत ज़्यादा वो हो गया है, यू नो बहुत ज़्यादा लैविश हो गई चीज़ें, लेकिन इस फिल्म में ना आपको गाँव दिख रहा है, आपको गाने बहुत अच्छे मिल रहे हैं। एक मिनट, तो तुम साइलेंट रहो ना यार। इंटरव्यू में रानी चटर्जी ने किसे डांटा? चलिए, प्योर लग रही है फिल्म, गांव के लोकेशंस, गाने बहुत अच्छे हैं, मुझे पर्सनली गाने इतने अच्छे लगे, और इन दोनों का इनोसेंस डांस जो है ना उसमें, वो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब डांसरों की तरह नहीं डांस कर रही है, सबसे अच्छा है जो इनोसेंटली डांस चल रहा है ना, इसी की नहीं, कॉम्प्लीमेंट। और ये पहली फिल्म में ही दिखता है इनोसेंट डांस ना, पहली फिल्म में दिखता है, इसके बाद आप कितनी बार भी इनोसेंट डांस करने जाओगे आगे वो नहीं दिखेगा, क्योंकि फिर आप कैमरा समझने लगोगे, लाइट समझने लगोगे, मेकअप सारी चीज़ें समझने लगोगे। इस फिल्म में आप लोगों ने जितने इनोसेंटली परफॉर्म किया है ना, इस फिल्म की खूबसूरती वही बढ़ा रहा है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मनोज तिवारी जी के बारे में आप कह सकते हैं ये बात, उनका इनोसेंट डांस आपने, उनका इनोसेंट डांस ही देखा था आपने, ससुरा बड़ा पैसा वाला? जी वही बात, मैं उसी बात पे मैं आ रहा था, उनका इनोसेंट डांस आपको मेरा देखा था कि नहीं? देखा था। मुझे एक इंसिडेंट याद है ससुरा बड़ा पैसा वाला का, सेकेंड डे था वो, गोरखनाथ मंदिर, नहीं गोरखनाथ मंदिर नहीं, हम लोग किसी सर्किट हाउस आई थिंक वो गाना कर रहे थे, जान से बढ़ के तोहर वो गाना कर रहे थे, और एक मनोज जी को डांस नहीं आता था, और मैं थोड़ा बहुत तो मुझे सिखा के लेकर गए थे सेट पे, तो एक शॉट था कि मैं भागते हुए उनके पास जाती हूँ और उनका हाथ पकड़ती हूँ और ऐसे थोड़ा डाउन हो जाती हूँ म्यूज़िक पे, तो जैसे मैं गई उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा और मैं डाउन हो गई, मैं गिर गई। तो अब उनके बहुत ज़्यादा फैंस थे, हमें तो कोई नहीं जानता था, तो उनके तो फैंस भरे हुए थे, तो फैंस हंसने लग गए कि हाँ 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 हीरोइन गिर गई, और ये मनोज जी को नहीं पता था कि मैं आई एम जस्ट स्कूल गर्ल, मैं स्कूल गर्ल थी उस वक्त, तो मैं गिर गई, तो ऐसे देख रही हूँ, तो बोलते अरे तुम तो गिर गई, उठो और हंस रहे मेरे ऊपर, तो मैं उठी, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने बोला क्या आप मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते थे? तो बोलते ऐसे देख रहे हैं मुझे कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया इस लड़की ने, और मैं चली गई, और वो नाराज़ होकर मुंह फुला के चले गए। फिर कोरियोग्राफर बाली जी उनके पास गए, बोले कि अरे वो स्कूल की लड़की है, छोटी है, समझा कीजिए, मतलब स्कूल में पढ़ती है वो। तो आए, तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैंने कहा मैं 10वीं में पढ़ती हूँ। इतनी छोटी हो? जी
अच्छा ठीक है चलो आज आज और रिहर्सल करते हैं। तो ये इस तरह के कई इंसिडेंट उस सेट पे हुए। अधर जी आप क्या कहना चाहेंगे रानी मैम आई? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी है, हमारी पूरी टीम को खुशी है कि रानी जी यहाँ पे आई और ससुरा के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, एक इतिहास के बारे में जो फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला है जिससे भोजपुरी सिनेमा का इतिहास जुड़ा हुआ है और हम लोग उसके पार्ट हैं, तो बहुत प्राउड मोमेंट हमारे लिए कि हमारे ससुरा के हीरोइन यहाँ पे आई हुई हैं हमें प्रमोट करने के लिए। तो मैं रानी जी को कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच रानी जी फॉर कमिंग हियर एंड फॉर योर बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 15 सालों में तो ससुर जी की दौलत भी काफी बढ़ी होगी, ज्यादा बढ़ गई होगी। आई थिंक ज्यादा हो गए फिल्म को टाइम, 15 साल से ज्यादा हो, सर 15 साल से ज्यादा हो गए, 17 साल हो गए फिल्म को। 7 मई 2004 कहा 15 16 17 साल हो गए ऑलमोस्ट फिल्म को, बहुत लंबा ससुरा ज्यादा पैसा वाला शो होना चाहिए, होना तो चाहिए, ज्यादा पैसे तो आ गए होंगे ससुर जी के काम, लेकिन इसमें दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, देखिए इसमें दिख रहा है। और लोकेशन सेम है, मतलब जो ससुरा बड़ा पैसा वाला के फैन होंगे जिन्होंने फिल्में देखी होंगी वो लोग इस चीज़ में वो चीज़ देखेंगे, वही कमरा वही घर वही गांव, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब लोगों को कहीं ना कहीं पहली फिल्म की याद ज़रूर दिलाएगी ससुरा बड़ा पैसा वाला 2। सो ये चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी आ ही जाइए, अभी आप आइए सर, मुझे ब्रेक देने वाले अजय जी। उम्मीद ना रख के कौन बनाता है, और मुझे उससे ज़्यादा की उम्मीद है और उससे मे भी शायद ज़्यादा अच्छी फिल्म है 2। 15 साल तक कोई फिल्म नहीं बनाई सर? नहीं फिल्में मैंने बनाई है, ससुरा नहीं बनाई, ससुरा को रिपीट ही करना था मुझे 15 साल बाद, क्योंकि एक्टर एक्सेस में सिनेमा को लाने की ये कोशिश है, क्योंकि फोक सिंगर से अगर मैं थोड़ा सा बाहर ट्रेड को ला सका तो एक्सपेरिमेंट बढ़ेगी ट्रेड में, और एक्सपेरिमेंट जब होंगे तो कुछ और चीज़ें बनती रहेंगी। सर ने कई एक्टरों का डेब्यू भी करा है, विक्रांत सिंह राजपूत, नहीं मैंने बोला कि 2 शेर और 3 शेर के साथ मैं खड़ा हूँ, ये आप रानी मैंने शेरनी भी नहीं आज तक बोला, मैं बोलता मेरी शेर है ये। ऐसा क्यों शेर क्यों? क्योंकि मैं कुछ है ऐसे हालात या मेरे ग्रह नक्षत्र ऐसे कि मैं अपने आप पे घमंड नहीं कर सकता, कुछ है वो कि करता हूँ तो मुझे चोट लगती है, तो मैं इन लोगों पे घमंड करता हूँ, ये लोग मेरे घमंड के लायक हैं, इस बात का गौरव है मुझे। चलिए बाकी जिसे आप कहा जाता है कि आप सिनेमा के लिए जीते हैं या सिनेमा आपके लिए जीता है? नहीं मैं ये नहीं, मैं ये कहता हूँ कि लोग सिनेमा बनाते हैं, मुझे सिनेमा ने बनाया हुआ है, तो वो एक सिनेमा के पास मेरा हमेशा समर्पण रहेगा कि मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि मुझे सिनेमा ने बनाया है। तो इस सीक्वल पार्ट 2 में मनोज जी रानी जी कहीं नजर नहीं आए, कहीं तो झलक होना चाहिए, आपको नजर नहीं आ रहे अभी यहाँ पे है ना? ये हम मेरी और अथर्व और नेहा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि मनोज जी और रानी को उस मुकाम पे मेंटेन रखना है, और वो हम लोगों ने कोशिश की है और मैं भी कोशिश कामयाब है, अभी आप सेकंड पार्ट देखेंगे, देखने के बाद लगेगा। चले ऑडियंस क्या करना चाहेंगे? अपना प्यार एक बार आके देखें, अगर अगर फिल्म अच्छी लगती है तो अपनी शुभकामना अपना आशीर्वाद वो जरूर दें फिल्म को, सभी को देखनी चाहिए एक बार फिल्म, क्योंकि आप लोग कनेक्ट करेंगे इस फिल्म से, और यू नो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी हुई, और अभी इंटरवल हुआ है हम पूरी देखने वाले, पब्लिक को एक बार जरूर देखना चाहिए, फैमिली के साथ देखना चाहिए, इट्स अ टोटली फैमिली ड्रामा। ये फिल्म सिनेमा हॉल में कब तक देखेंगे? महाशिवरात्रि के दिन 21 फरवरी 2020। और इन लोगों के जीवन में भी 2020 ही रहे, कभी 19 ना हो 18 ना हो, इसलिए 2020 है ये साल, देखते हैं सिनेमा कहाँ ससुरा बड़ा पैसा वाला 2 कितना 2020 हो पाता है। रानी जी 20 तारीख महाशिवरात्रि को रिलीज हो रही है, तो ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? मैं ऑडियंस से यही कहूँगी कि एक बार जरूर इस फिल्म को देखें, जिस तरह मेरी फिल्म को आप लोगों ने बम्पर ओपनिंग और यू नो गोल्डन जुबली बनाया, उसी तरह इस फिल्म को भी अपना भरपूर प्यार दें ससुरा बड़ा पैसा वाला 2। मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 21 फरवरी को आगे हमारी फिल्म देखें और उन्हें निराशा हाथ नहीं लगेगी, उन्हें बहुत अच्छी फिल्म लगेगी, और अपनी फैमिली के साथ आएँ। जी वही जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं 21 फरवरी को जाएं और मेरी फिल्म देखें, और आई एम श्योर जो एक बार फिल्म देखेगा वो दोबारा ज़रूर देखेगा, तिबारा ज़रूर देखेगा, क्योंकि जितनी बार देखेगा वो कुछ नया देखने को मिलेगा,
प्लीज आप लोग जाइएगा। ये एक बार किसी ने कहा था कि कोई 43वें या 44वें बार में यूनाइटेड गोरखपुर में देखे, उनसे पूछा गया सवाल कि आप बार बार ये फिल्म क्यों देखते हैं, बोला कि क्या ऐसा अच्छा लगता है, तो उन्होंने ये नहीं बताया कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट अच्छा लगता है, उन्होंने ये कहा कब वो कुछ अच्छा लगेगा कब वो कुछ अच्छा लगेगा, और ये हेडिंग से जो है वो अखबार में ये खबर थी कि कब वो कुछ अच्छा लगेगा। किसी ने तो 120 बार देखी है मेरे सामने, बताते हैं लोग आके। तो चलें अब शुरू करें। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।